हेलो स्टूडेंट, ये बड़ा ही क्रिशियस टाइम है और इस टाइम पे आपको अपने घर में रहना चाहिए। थोड़ा सोशल नेटवर्किंग से, सोशल चीज़ों से, सोसाइटी से थोड़ा सा अपने आप को इस समय काट के रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अलोन रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने घर में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सेफ़ रहेंगे। ना सिर्फ आप अपने लिए सेफ़ रहेंगे बल्कि आप सोसाइटी के लिए भी इस चीज़ में हेल्प करेंगे। आपकी पढ़ाई को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से हम आपके सामने आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें लेकर आते रहेंगे, जिससे कि एक सीक्वेंस में आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती रहेगी। इसी क्रम में आज मैं आपके साथ आपके क्लास 9th, यानी कि वो बच्चे जो क्लास 8 पास करके क्लास 9th में जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए उनके मैथ का चैप्टर 1, जो कि नंबर सिस्टम है, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो है आपका टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है आपको, फिर रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, और फिर हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्लास 7 से ही आप नंबर सिस्टम्स को पढ़ते चले आ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में जो आपने सबसे पहले नंबर्स को जाना होगा वो आपने जाना होगा 1, 2, 3, 4, 5। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनाइट तक। याद रखिए, इसमें निगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और वो भी 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनाइट। फिर उसके बाद आता है आपका होल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर में 0 भी नहीं होता है, वो आपका कैटेगरी बन जाएगा अगला होल नंबर। होल नंबर में क्या होगा? वो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनाइट तक। तो नेचुरल नंबर में हमने जाना 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सभी के सभी धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। होल नंबर में 0 को भी हम इंक्लूड करेंगे, तो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव। यानी कि अगर आप नंबर लाइंस में बढ़ेंगे तो 1 से प्लस इन्फिनाइट की तरफ, यानी कि राइट साइड की तरफ आप बढ़ रहे होंगे। अगर आप होल नंबर्स की बात करेंगे तो आप 0 को भी इंक्लूड करेंगे। तो नंबर लाइंस में अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो ये हो गया अगर आपका 0 पॉइंट, तो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर आपका यहां से शुरू होगा, ये कैटेगरी होगी आपके नेचुरल नंबर की, यहां से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर आपका। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होगा, तो ये आपका जा रहा होगा होल नंबर्स के लिए। अब आती है आपकी तीसरी कैटेगरी, जिसे आप इंटीजर के नाम से जानते हैं। तो इंटीजर्स में आपका माइनस इन्फिनाइट से लेकर 0 को इंक्लूड करते हुए हम प्लस इन्फिनाइट की तरफ जाते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपका पूरा का पूरा, जो ये फिक्स वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये फिक्स वैल्यू आपको इंटीजर देंगे। लेकिन इन फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में भी कुछ नंबर्स आते हैं, जैसे 3 और 2 के बीच में भी कोई नंबर होगा, है ना। 1 और 2 के बीच में एक नंबर होता है, जिस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, जैसे कि यहां पर 1.5 होगा, 1.7 होगा, 1.8 होगा। इन नंबर्स को किस कैटेगरी में रखा जाता है? एक बात याद रखिए, ये जो भी आप नंबर्स रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दिस ऑल नंबर्स आर इन टू द कैटेगरी ऑफ द रियल नंबर्स। ये सारे नंबर्स रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इन नंबर्स को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, जो 1 से 2 के बीच में आ रहा है, यानी 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.25, 1.35, like that। ये नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये नंबर्स के लिए आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी होगी कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अगर सभी रियल नंबर्स को हम एक कलेक्शंस बनाएं, तो हम एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना सकते हैं जो कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इस बड़े से रेक्टेंगल के अंदर देखिए, मैंने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये जो पहला रेक्टेंगल आप देख रहे हैं छोटा वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, जो कि 1, 2, 3 और 4 की तरफ है। फिर उसके बाद जो ये दूसरा है आपका रेक्टेंगल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स को, जो कि 0, 1, 2, 3 और अप टू इन्फिनाइट तक।
तो यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी होल नंबर्स होंगे ही होंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि जितने होल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी होंगे, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। चलिए, ये जो आप तीसरा रेक्टेंगल देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें निगेटिव इंटीजर है, जीरो है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो आप जीरो से अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को देखें तो ये आएगा होल नंबर कैटेगरी में। आप वन से लेकर पॉजिटिव इंटीजर्स को देखें तो ये आएगा नेचुरल नंबर्स में। तो फिर से ये स्टेटमेंट बनेगा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होंगे ही होंगे, जितने होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होंगे ही होंगे। लेकिन क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर या नेचुरल नंबर में आएंगे? तो जवाब है आपका नहीं, क्योंकि -3, -5, -6, -7 ये ऐसे इंटीजर हैं जो कि निगेटिव इंटीजर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये होल नंबर्स या नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। अब जो आप ये चौथा रेक्टेंगल देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रेशनल नंबर्स को। तो रेशनल नंबर किसको किसको होल्ड कर रहा है? इंटीजर्स को होल्ड कर रहा है, यस। होल नंबर्स को होल्ड कर रहा है, यस। नेचुरल नंबर को होल्ड कर रहा है, यस। Types of rational numbers, जिसमें आपका पहला टाइप है रेशनल नंबर का फ्रैक्शन। जितने भी फ्रैक्शन नंबर्स होंगे वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स में आएंगे ही आएंगे। दूसरा है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? वो सभी नंबर जो p by q के टर्म में लिखे जा सकते हैं, है ना, जैसे 3/5, 7/8, 11/13 एक्सेट्रा। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ? वो फ्रैक्शन नंबर्स जो कि डेसिमल फॉर्म में लिखने पर टर्मिनेट करते हैं, जैसे 3/5 टर्मिनेट हो जाएगा 0.6 पर, जैसे कि आपका 4/5 टर्मिनेट हो जाएगा 0.8 पर, एंड तीसरी कैटेगरी जो है वो है आपकी इसकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ? 1/3 ये टर्मिनेट नहीं करेगा, 0.333 ये बढ़ता चला जाएगा। फिर हो गया आपका 2/3, ये बढ़ता चला जाएगा, 0.666 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो तीन तरह के नंबर है आपके, फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आते हैं आपके टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर के अंदर। अब यहां पर एक छोटी सी जानकारी और आप लोग के लिए कि फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, इसे मैं रफ कर देता हूं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर मस्ट बी लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो यहां पर जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं ये सारे के सारे एग्जांपल बन रहे हैं किसके? प्रॉपर फ्रैक्शन के, यानी कि 3/5, 7/9, 11/17 ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। लेकिन जैसे ही आप लिखेंगे 17/13 अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते किसे हैं? तो ऐसे नंबर्स, ऐसा रेशियो पी बाई क्यू के टर्म का लिखा हुआ ऐसा नंबर जिनके बीच में सिर्फ एफ ही कॉमन फैक्टर हो और वो कॉमन फैक्टर हो आपका 1। जैसे इनके बीच में देखिए एक ही कॉमन फैक्टर है 1, इनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है 1। तो क्या ऐसे नंबर जिनके बीच में एक के अलावा कॉमन फैक्टर हो सकता है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शंस में नहीं आते हैं? फ्रैक्शंस में आते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस नहीं कहे जाते हैं। तो वहीं अभी हम टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में देखेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, फिर उसके बाद आता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। में क्या हो गया कि डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर,
है ना। यानी अब इनको जरा रिवर्स कर दीजिए, 5/3, 9/7, 17/11, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए और कुछ टाइप्स जानते हैं फ्रैक्शंस नंबर के, इन्हें मैं रफ कर दे रहा हूं। आपके कुछ फ्रैक्शंस होते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन की खासियत क्या होती है कि जैसे 3/5, 9/5, 2/5, ये सब लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या हैं आपके, इक्वल है। जब डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल होता है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट या इक्वल फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, समझिए इस चीज को, कि आपने लिखा 4/18 है ना, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है? नहीं, क्योंकि अभी आपको दिख रहा होगा 2 and 9 हम लिख सकते हैं, यानी कि 2/9। तो ये जो 4/18 का p/q फॉर्म है ये बराबर है किसके, 2/9 के। तो ये पेयर आपका बन जाएगा किसके लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए। एक और टाइप है आपका फ्रैक्शन का जिसे कि हम यहां पर लिख रहे हैं, बताइए, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो ऐसे फ्रैक्शन जिनमें होल नंबर इंक्लूड रहता है, जो होल नंबर का यूज करके बनते हैं, आप लिखते हैं ना 3:1/4, आप लिखते हैं 2:3/8, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो आपके चैप्टर में जो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे सबसे पहले, जिन्हें आपको करना चाहिए, उन एग्जांपल्स में आपको दिया जाएगा कि फाइंड 5 rational numbers between 3 and 4। कैसे करेंगे हम लोग इसे, देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, आप लोग होपफुली आप लोग जानते भी होंगे, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। एक बार और इस चीज को रिकॉल करते हैं, जरा सा इस तरीके पे हम गौर करते हैं कि 3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस 3 is equals to 18/6 एंड 4 is equals to 24/6। देखिए अब ये 6 और 6 हो गए, तो ये किसमें आ गए आपके, ये फ्रैक्शन का एक टाइप है आपका, है ना, एक आप लाइक फ्रैक्शन के इस कैटेगरी में से डालेंगे। तो अब यहां से 18 से आप 24 की तरफ बढ़िए, तो आप लिख सकते हैं 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6। दीज नंबर्स आर लाइज इन बिटवीन द पेयर 3 and 4 और 18/6 और 24/6। ये 5 आपके रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हो गए। तो क्या इनके बीच में सिर्फ ये 5 ही नंबर लाई करेंगे या इससे ज्यादा भी लाई कर सकते हैं? तो आपको यह जानना चाहिए कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, जब आप नंबर लाइंस की बात कर रहे हैं, तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, इन्फिनाइटली नंबर्स लाई कर सकते हैं। तो हम इन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम अगले लेक्चर में जानेंगे। अभी इस लेक्चर में मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं, जरा सा मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं और इन एग्जांपल्स के बारे में आप सोचिए कि ये एग्जांपल्स नंबर्स किन कैटेगरी में आएंगे। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 6 नंबर 6, ये क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये रियल नंबर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर तो होगा ही होगा, नेचुरल नंबर होगा, फिर ये होल नंबर भी होगा, फिर ये आपका
नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर भी होगा, और फिर ये आपका रेशनल नंबर भी होगा। लेकिन अगर हम -7/10 लिखें तो ये किस कैटेगरी में आएगा? तो ये रियल नंबर तो होगा ही होगा, और क्या होगा ये? अब ये नेचुरल नहीं हो सकता है, होल नंबर नहीं हो सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो अब ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास लिखा जाए -6 तब तो रियल नंबर तो होगा बिल्कुल, नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर नहीं, इंटीजर यस, और कौन सा इंटीजर? निगेटिव इंटीजर। रेशनल नंबर यस, क्यों हम इसे रेशनल नंबर कैटेगरी में डालते हैं? क्योंकि आप किसी भी नंबर को अपॉन वन करके लिख सकते हैं, यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग किसी भी इंटीजर को लिख सकते हैं, इसलिए ये आपका क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर की कैटेगरी में भी आएंगे। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क छोड़ता हूं, √16 ये क्या क्या होगा ये आप मुझे अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगले लेक्चर में, अगली क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? इरेशनल नंबर के बारे में। हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में, और हम दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट करने का और भी तरीका जानेंगे। तब तक आप लोग इसे एज ए होमवर्क करिए, पढ़िए, और कंसर्न डाउट है तो हमसे पूछिए। थैंक यू।